स्वामी जी, बीमारियों का ये कुनबा तो तब खत्म होगा ना, बहुत ज्यादा आती हमारी आदतें सुधरेंगी। अब स्वामी जी, फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, अब तो लोग बात बात पर मीठा खाएंगे, मीठा खिलाएंगे, यानी कि डायबिटीज की बीमारी की तरफ लोगों का एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। तो रोज पसीना बहाने के लिए कौन कौन से पावर योग करने की आवश्यकता है, ये तो आप कराए ही, और शुगर बैलेंस कैसे रख सकता है, योग में उसकी क्या भूमिका है, समझाएं। मोगरी घुमाओ जी, पावर योगा दौड़ लगाओ, दौड़ो, तैरो, स्विमिंग करो, गेम्स खेलो, रनिंग करो, और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करो, और कुछ नहीं होता तो सूक्ष्म व्यायाम ही वेग पूर्वक कर लो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये गुरमीत कौर माता ने तो अर्थराइटिस के साथ साथ डायबिटीज को ठीक किया। इंसुलिन लेने के बावजूद 460 शुगर रहती थी, अब माता कुर्सी पर बैठ करके ये सूक्ष्म व्यायाम, अभी भी हाथ थोड़े मोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन अर्थराइटिस ठीक तो ठीक कर लिया, वो अर्थराइटिस के लिए पेन किलर और स्टीराइड खरीद के उससे डायबिटीज दूर होगी, तब दोनों ठीक किया हमने इनके, और इंसुलिन बंद करवाई, ये बड़ी बात है। नहीं तो लोग कहते थे एक बार तो इंसुलिन शुरू होगा तो फिर तो जिंदगी भर चलेगा और कुछ नहीं कर सके, तो मैं कहता हूँ दो ही कर लिया करो, योगिक जोगिंग के दो अभ्यास, एक ये ऐसे और दूसरा ये ऐसे, 100-100 बार ऐसे, और जो डायबिटीज के साथ जो मोटे भी हैं तो उसके लिए तो ये दो अभ्यास रामबाण है, एक तो ये स्थितकोणासन, इससे वेट कम हो जाता है, हमने एक एक महीने में 25-25 किलो परिवेश से लेकर के और दिनेश से लेकर के रोहन मोदी तक, परिवेश, दिनेश, रोहन, 24 से 25 किलो एक महीने में वेट भी कम कर दिया, वेट भी बड़ा कारण है शुगर का, और ये 100-100, 200-200 बार ऐसे ही ये स्थितकोणासन, चक्की आसन कर लें, इससे भी पावर आ जाती है, और जो थोड़े मजबूत हैं और दंड बैठक साथ ही साथ लगा लें, ऐसे देखो ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे 5 मिनट तक ऐसे कर लें, 5 मिनट जिसने ऐसे कर लिया 5 मिनट में तो पूरा पसीने से तरबतर हो जाएंगे, इतना ना हो तो ये कम से कम भुजंगासन ही ऐसे, ये पावर योगा हो गया पूरा। उस दिन स्टूडियो में मैं आया था तो हमारे अमित भाई बच गए थे, रोज डिप्स लगाते हैं ये, ऐसे 1 मिनट में 50 बार हो जाता है, और मीनाक्षी जी तो और ज्योत्सना जी तो हमारी पूरी पहलवान बेटियां हो गई है। स्वामी जी उस दिन मिस कर गया ना, उस दिन G20 के लिए गया था, देश की करोड़ों माँ बहन बेटियां आपको जी वैसे स्वामी जी वहां पर आइकॉन मान करके, और अमित तुम्हारे इतने फिट हो गए, पहले अकेले जिम ही जिम कर रहे थे, अब जिम और योग का दोनों का योग करा दिया, जिम और योग का ब्याह करा दिया, उन्होंने शादी करवा दी दोनों की, स्टिफ हो गए थे, योग से फ्लेक्सिबल बना दिया गया। अच्छा स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर लेती हूँ स्वामी जी, एक ताजा स्टडी के मुताबिक दुनिया में 50 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार है, जो अगले 24 से 25 साल में 78 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे, ये आंकड़ा तो बड़ा ही चिंताजनक है, आखिर वजह क्या है स्वामी जी कि डायबिटीज के रोगी इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? अरे आंकड़ा सबसे बड़ा मैं बता रहा हूँ, हर चौथा आदमी या तो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक, इसका कारण क्या है, एक तो अनहेल्दी अनाज खाते हैं, अनहेल्दी अनाज क्या है, धुला हुआ चावल, उसका ऊपर का ब्रान उतार देते हैं, तो जो सफ़ेद चावल खा रहे हैं, और ये सफ़ेद गेहूं का आटा, पहले जो है ना जो देसी नस्ल थी गेहूं की वो गायब हो गई, तो ये जो अनहेल्दी अनाज खा रहे हैं, और फिर ये जंक फूड फास्ट फूड के नाम पर तो पूरा कबाड़ा है, अड़गम सड़गम बड़गम ये सब खा खा करके, और लोगों ने एक तो अनहेल्दी अनाज खा रहे हैं, फिर अनहेल्दी लाइफ जी रहे हैं, फिर एंटीबायोटिक्स बहुत खा रहे हैं, स्टीराइड ले रहे हैं, अलग अलग सिंथेटिक दवाइयां खा रहे हैं, फिर बहुत ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी के कारण से इतना ज़्यादा एक्सपोजर होता है रेडिएशंस का, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, हवा मिट्टी पानी सब जहरीले हो गए हैं, आहार भी जहरीले, विचार भी जहरीले, संबंधों में भी जहर घुल गया, समाज में भी सामाजिक राजनीतिक धार्मिक जहर घुल गया है, और इस सब के कारण से हमारा जो पेनक्रियाज है ना बहुत सेंसिटिव है, उस पर असर पड़ता है, तो जो हम ये मधुनाशिनी मधुग्रीट देते हैं ना, खाली पेट मधुनाशिनी और खाने के बाद मधुग्रीट, मधुनाशिनी के साथ ही इम्यूनोग्रीट भी साथ में दे देते हैं, और जिनकी किडनी पर असर आ गया उनको न्यूरोग्रीट भी देते हैं, तो
दो ही आसन मात्र कर लें, मात्र दो आसन। चलो सब मंडूक आसन करो, ऐसे मात्र दो आसन कर लें और खाली पेट मधुनाशिनी खाएं और ये इम्यूनोग्रिट, और खाने के बाद मधुग्रिट ले लें, और जिनकी किडनी पर असर आ गया, क्रिएटिनिन में बढ़ने लगा है, तो रिनोग्रिट साथ में ले लें। आँखों के लिए आंवला एलोवेरा गिलोय का थोड़ा जूस पी लें, आंवला एलोवेरा गिलोय, खीरा करेला टमाटर तो एक ही साथ मिला करके पिला देते हैं, तो रेटिनोपैथी नेफ्रोपैथी न्यूरोपैथी, रेटिनो न्यूरो नेफ्रोपैथी तीनों, और फिर गैंग्रीन और तमाम तरह के ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, अंदर से दीमक की तरह शरीर को खोखला कर देती है। तो आयुर्वेद की औषधियाँ पेनक्रियाज को ठीक करने के कारण, ठीक करने के साथ साथ पूरी बॉडी को रिपेयर करती हैं, हमारे सारे सेल्स को रिपेयर करती हैं, स्ट्रेस को, एंटी स्ट्रेस है ये, एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये, एंटी एजिंग है, हाँ, और ये एंटीबायोटिक का भी काम करती हैं, और इम्यूनिटी बूस्टर हैं, और पेनक्रियाज के डीजनरेटिव सेल्स को रिज्यूवनेट करती हैं, हमारे सारे सेल्स को रिज्यूवनेट करती हैं, सेल्स को डीएनए को रिपेयर करती हैं, और रोग रोगी होते हैं तो हम तो रोगी होते हैं, हमारा तो लाइफ साइकिल कम होता ही है, हम बीमार होते हैं, लाचार होते हैं, कमज़ोर होते हैं, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी कम हो जाती है, हमारी आने वाली जनरेशंस भी बीमार पैदा होती है। लो, तो ये योग से इतने बड़े काम होते हैं ना, ये माने आप कर रहे हो शुगर के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन, मात्र अब ये बैठ करके तो मंडूकासन और योग मुद्रासन और वक्रासन मेन है, फिर जो कर सके अर्धमत सेंद्रासन वक्रासन गोमुखासन भी कर लेना, नहीं तो केवल मंडूकासन और पवन मुक्तासन दो ही कर ले, उसी से उद्धार हो जाता है। ये राहुल बेटा बैठा अल्सरेटिव कोलाइटिस था, खून में ही इसको जो है लैट्रिन में खून आता था, लथपथ रहता था राहुल गुप्ता, इसका वेट भी बढ़ गया था, बीपी भी बढ़ गया था, शुगर भी, कोलेस्ट्रोल भी आ गया था छोटी सी उम्र में। अब जो है क्योंकि जवान लड़के आजकल जिम जाते हैं और ये जो सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स खाते हैं, अब इसने तो पतंजलि के नेचुरल प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक वो चीज़ों के साथ अब जुड़ गया और उनको जोड़ रहा है, नहीं तो ये सब मामला बड़ा खतरनाक है। तो इतना तो सब कर लें बैठ करके जो अभी हम करा रहे हैं, और जिनका थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है तो वक्रासन के साथ साथ ये अर्धमत सिंद्रासन भी कर लें ऐसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।